नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मेलस के नियम का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। यह काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल है। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा फ़ायदा होगा। पहले हम इसका ऑब्जेक्ट देख लें और इसका फिगर देख लें। मैं हूं सुरेंद्र खिलेरी। इससे पहले अन्य प्रैक्टिकल के वीडियो आ चुके हैं, जिन्हें चैनल पर विजिट करके देख लें। आज का हमारा ऑब्जेक्ट, सेल की सहायता से समतल दूरी प्रकाश के लिए मेलस नियम का सत्यापन करना। मेलस नियम क्या है, जो विश्लेषक के बाद आगे हमें फोटो सेल पर इंटेंसिटी प्राप्त हो रही है आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोस स्क्वायर फाई फाई के, जहाँ पर फाई ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षों के मध्य बनाया गया कोण है। हम जानते हैं कि ध्रुवक की एक विशेष अक्ष होगी, जिसके अनुदिश यह प्रकाश को क्या कर देगा, समतल दूरी कर देगा। विश्लेषक की भी अपनी अक्ष होगी और हम जैसे जैसे विश्लेषक को घुमाएंगे, वैसे वैसे ये इस ध्रुवक की अक्ष के साथ एक निश्चित कोण बनाएगा, जिसे हम क्या ले रहे हैं, फाई ले रहे हैं। जैसे आपको वायु में पूछ लिया जाए कि यहाँ पर फाई क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इन दोनों अक्षों के मध्य बनाया गया कोण है। ये आई क्या है, यहाँ पर आई विश्लेषक के बाद फोटो सेल पर गिरने वाले प्रकाश की इंटेंसिटी है। आई नोट क्या है, ध्रुवक के बाद जो प्रकाश आ रहा है यहाँ तक, उसकी इंटेंसिटी है। इसके आगे निकल गया तो वो क्या बन गई, आई। आई इज इक्वल्स टू क्या होगी, आई नोट कोस स्क्वायर फाइव। इसके अलावा मेलस नियम भी पूछा जा सकता है, तो इसमें मेलस नियम आप क्या कहेंगे, किसी ध्रुवक से आने वाला प्रकाश जब किसी विश्लेषक पर आपतित होता है, ये ध्रुवक से आने वाला प्रकाश विश्लेषक पर आपतित होता है, तब निर्गत प्रकाश की परिणामी तीव्रता, जो विश्लेषक से निकला हुआ प्रकाश उसकी परिणामी तीव्रता तथा विश्लेषक के अक्षों के मध्य कोण फाई कोजिया के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है कोजिया के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यही अपना क्या है, मेलस का नियम है। अब इसके प्रैक्टिकल को देखें हम। इस डायग्राम में देखिए, अपना प्रैक्टिकल डायग्राम, ये अपना विश्लेषक है, ये अपना फोटो सेल है, इसके द्वारा हमने किसको जोड़ रखा है, एमीटर, ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेप आपको क्या फॉलो करना है कि यहाँ से डिस्टेंस कुछ इस प्रकार से सेट करनी है कि यहाँ पर आपकी धारा 50 माइक्रो एम्पियर प्राप्त हो जाए। यहाँ पर जो हम एमीटर ले रहे हैं, वो धारा का मेजर किस में कर रहा है, माइक्रो एम्पियर में कर रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो विश्लेषक है इसकी अक्ष को आप इसके द्वारा घुमाएंगे, यानी इसको हम यानी विश्लेषक को हम इसके द्वारा रोटेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके है जो ध्रुवक और विश्लेषक के अक्षों के मध्य एंगल चेंज होगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे। ओके, जैसे मैं आपको सारणी में बता दूँ, ये देखिए ध्रुवक P के सापेक्ष विश्लेषक की कोणीय स्थिति, कोणीय स्थिति किसके द्वारा चेंज कर रहे हैं हम, इसको घुमाकर, जहाँ जीरो के सीध में ये जहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर 360 डिग्री तक का एंगल लिखा हुआ है, जो ये स्केल है ना, ये स्केल इसमें ये जहाँ पर आएगा जीरो के सीध में, वो आपको एंगल नोट करते जाना है। यहाँ से क्या आएगा आपका, फाई आएगा। इसी के साथ आपको धारा भी नोट करनी है, धारा किस में नोट करेंगे, अपने इस एमीटर में। ओके, ये देखिए धारा नोट करते जाना है। ओके, अब प्रैक्टिकल वीडियो देख लें। उसके बाद तो कैलकुलेशन करनी कुछ है ही नहीं, फाइल वर्क का एक वीडियो मैं और बना दूंगा। ये देखिए अपना इसका इंस्ट्रूमेंट पूरा, यहाँ पर पीछे ये अपना
दुरोग लगावा आगे, ये हमने जैसा कि देखा है। ओके, ये पीछे इस प्रकार से लगा हुआ है, आगे के ये इंस्ट्रूमेंट व्यवस्था है। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से इसको चेंज कर करके रीडिंग नोट करनी है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, एंगल यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको धारा का मान नोट करना है। ठीक है, जैसे अभी हमने ये अपनी धारा को 50 माइक्रो एम्पीयर पर सेट कर रखा है। ओके, ये देखिए किस में मेजर कर रहा है, ये 50 माइक्रो एम्पीयर में मेजर कर रहा है धारा को। ओके, यहाँ से हमने डिस्टेंस एडजस्ट की उसको आगे पीछे सरका कर यहाँ से। ओके, ये देखिए ये स्केल जो लगी हुई है, इस पर हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ से हम एंगल को सेट करेंगे जो कि क्या आएगा, फाई आएगा। इसको हम घुमाएंगे इस प्रकार से। ओके, ये जहाँ पर 0 के सीध में आएगा उस एंगल को हम अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ये देखिए फाई। ओके, इसी के साथ धारा को आपको नोट करते जाना है कि इस एंगल पर हमारी धारा यह है, इस एंगल पर हमारी धारा यह है। तो मेरे ख्याल से ये आपको ज़रूर समझ आया है। उसके बाद हम एंगल बढ़ाते जाएंगे, जैसे 10, 20, 30, इस प्रकार से। ओके, और इसी के साथ अपने यहाँ पर धारा का मान नोट करते जाएंगे। मैं हूँ सुरेंद्र खिलेरी, और आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि किसी और को फ़ायदा हो सके।